न्यू ईयर का गिफ्ट सर। और जीवन में कुछ करो ना करो, जीवन में बस दो बातें अच्छे से याद रखो। पहला आपका चरित्र, पहला आपका क्या चरित्र, चरित्र अपना जो चरित्र है, अपना जो कैरेक्टर है ना, उसे कभी मत गिराना। नई साल पे याद रखना अपना जो चरित्र है, चरित्र की परिभाषा में बताओ, अपना जो चरित्र है उसे कभी मत गिराना। और दूसरा है अपना विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें अगर गिर गई तो जीवन में कुछ नहीं। चरित्र क्या होता है? चरित्र का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी। चरित्र का मतलब ये नहीं है कोई लड़का, देखो मैं बहुत खुल के बात करता हूँ, कोई लड़का किसी लड़की से बात करता है इसका मतलब नहीं उसका चरित्र खराब है, और कोई लड़की किसी लड़के से बात करती इसका मतलब नहीं उसका चरित्र खराब है, कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है इसका मतलब ये भी नहीं उसका चरित्र खराब है, और कोई लड़का लड़की आपस में जो कुछ भी करते हैं उसका मतलब ये भी नहीं उनका चरित्र खराब है। चरित्र की परिभाषा बहुत अलग है, चरित्र की कोई परिभाषा नहीं है। चरित्र क्या है? अब एक आदमी भ्रष्ट है, अब वो आदमी अपनी बीवी से तो बेइंतहा मोहब्बत करता है, तेरे ना किसी को देखूंगा नहीं, पर भ्रष्ट इतना है, भ्रष्ट इतना है कि भाई कभी 1 लाख ला रहा है, कभी 5 लाख ला रहा है, तो वो आदमी हर जगह भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्टाचार की परिभाषा नहीं है, अगर कोई आदमी भ्रष्ट है तो परिवार ही भ्रष्ट हो जाता है। तो चरित्र जो है वो बहुत सी चीजों से मिलकर बनता है। चरित्र होता है आदमी के सिद्धांत। अगर आपको ये पसंद है कि मुझे लड़की से बात करनी तो कर, तेरे जीवन का एम क्या है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तेरे जीवन के सिद्धांत क्या है। अब आदमी के जीवन के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, कोई आदमी लिबरल है उसको पसंद है जी और जीने दो। सिद्धांत क्या है? मेरे हिसाब से करेक्टर ये है दोस्तों, कुछ भी करो, मैं एक ही चीज विश्वास करता हूं, आप कुछ भी करो लेकिन आप कभी दूसरे का दिल मत दुखाओ। अगर आपके उस काम को करने से, अगर आपके किस काम को करने से किसी का दिल दुखता है वो काम गलत है, वो काम खराब है। अगर आपका करप्शन करने से किसी का दिल दुखता है, आप किसी लड़की से बात किए उसका यूज किए बाद में उसका दिल दुखता है तो आपका चरित्र खराब है। आप किसी लड़की से लड़के से बात किए, यानी जिस आदमी को आपके काम से दुख मिले, आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और आपने माँ बाप ने आपको पैसे दिए, देखो ये चरित्र कनेक्ट यहाँ होता है, आपको पैसे दिए, आपको भेजा, लड़का लड़की नहीं, आप शराब पी रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, लास्ट आपके माँ बाप ने जिस काम के लिए आपको पैसे दिए आप उस काम को पूरा नहीं कर पाए तो आपके माँ बाप का दिल दुखेगा, इसलिए चरित्र खराब है। अगर आप किसी भी काम को करके आप उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं जिसके लिए आपको भेजा गया है, आपका जो मन करता है वो करो, जो आपका मन करता है वो करो, बस आपको क्या करना है उस उद्देश्य की पूर्ति करनी जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और कभी किसी का दिल मत दुखाना, दिल दुखाने से गड़बड़ काम है। और दिल दुखाना क्या है? और सुनो, जो अच्छा होता है ना पिक्चर देखे नहीं, मैंने सुनता है अल्फा मेल, क्या देखा? अल्फा मेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, अच्छा आदमी जिसको ब्यूरोक्रेट बनोगे, सारा ज्ञान मैं दे रहा हूँ क्योंकि न्यू ईयर है, अब हम मिलेंगे नई साल में 2024 में, 1 साल बाद। अल्फा मेल ऐसा नहीं होता, अल्फा मेल तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बाहर काट वाले नहीं होते, अल्फा मेल वो होता है जो दूसरों को इज्जत दे, दूसरों की रिस्पेक्ट करे। जो इंसान किसी का मिसयूज कर सकता है वो इंसान नहीं, जो इंसान किसी का मिसयूज कर सकता है, किसी लड़की लड़के को बहला फुसला सकता है, उसकी जिंदगी खराब कर सकता है, वो इंसान नहीं, वो मर्द नहीं, आया ना? तो अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आदमी जो है किसी का नुकसान ना करे। अब लोग क्या समझते हैं, किसी लड़की का मिसयूज कर लो, किसी लड़के का मिसयूज कर लो, किसी को बेवकूफ बना दो, तो कमजोर को बेवकूफ तो दुनिया बनाती है, बनाना है तो अपने उसे ऊपर वाले को बना कर देगा। पर्सनल फिलॉसफी, तुम्हें जो करना करो उससे करो जो तुमसे ऊपर है, तुमसे नीचे, तुमसे नीचे। लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग का यूज करते हैं, ज्यादा दिमाग का प्रयोग करके उनको ऊपर शासन करते हैं, उनका कम दिमाग है। अरे उनकी तो मदद करो, तुम्हें करना है तो हस्ती उसकी गिराओ जिसकी तुमसे ऊंची है, अपने से नीचे वालों की नहीं। इसको कॉन्सेप्ट बनाओ और ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो बिल्ड के शिकार हो जाते हैं लोग, बोलते हैं ठीक है। असली मर्द वही होता है, मर्द कोई शब्द नहीं है, पुरुष और महिलाओं के लिए नहीं है, असली योद्धा वही होता है लाइफ में जो दूसरों को प्रोटेक्ट करे।
दूसरों का भक्षण नहीं करते, वही युद्ध है वही लीडर। ठीक है, आप दूसरों के लिए बने हो, आप हमेशा एक लीडर की खासियत क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी के पास जाते हैं, हमेशा मांगते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो लीडर वर्ड द लीडर, लीडर के सामने प्रॉब्लम फेंको क्या फेंकता है, सोल्यूशन 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 सोल्यूशन। अब गुड लीडर नेवर सीक एनी हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, एक अच्छा देता है कभी किसी से मदद नहीं मांगता, मदद क्या करता है, करता ही करता है। हाँ, एक कहावत है, एन ऑफिसर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन, क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। आप बनोगे अधिकारी, आप समस्या लेकर जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बनो, दुनिया आपके पास है, आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो, आप सबके पास मत जाओ, बी एन प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। एंड सबसे अच्छी बात है कॉमन सेंस का प्रयोग करो, एक और कहावत है कॉमन सेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड, एग्जाम पास करने के लिए कॉमन सेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो बी अ लीडर, बी अ गुड पर्सन, अच्छा आदमी बनो, मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे आदमी बनोगे। ठीक है, बाकी जो जिंदगी में कर रहे हैं मस्त तरीके से करो, चिल मारो, खुश रहो, नमस्कार, बाबा जय, हैप्पी न्यू ईयर सर।